दोज़ख से उसके लिए आज़ादी लिख दी जाती है और उसके लिए नफाक से आज़ादी लिख दी जाती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में लगातार 40 नमाज़ें अदा की उसके लिए आग से आज़ादी और अज़ाब से नजात लिख दी जाती है और वो नफाक से बरी हो जाता है। मुसनद अहमद बिन हम्बल, किताब कौल वफा, और इमाम मुंजरी ने इस हदीस को किताब तरगीब व तरहीब में भी नकल किया है। इमाम मुंजरी ने कहा इसके रावी सही है, आइमा हदीस की तस्री के मुताबिक ये हदीस सही है। सुभान अल्लाह।